हर साल बांटते हैं, जब भी आए हैं, जब भी हमको खाना पीना की कमी नहीं, बाल बच्चे सब कोई खा रहे हैं और सब कोई दे रहे हैं। हाँ, सब कोई देने वाले हैं भाई, आप ही हो मालिक, हम क्या है। नहीं, जैसे जनता ही, तो जनता ही चुनती है उनको, जो जनता ही मुखिया को बनाएगी, तो जनता जैसे मोदी का चेहरा, उनका शिवराज सिंह का चेहरा रहेगा कि दूसरा चेहरा चेंज होगा? मुखिया बन भी, नहीं नहीं, मुखिया शिवराज सिंह ही बनेगा। अच्छा जी, तीसरी एक आम आदमी आ सकती है थोड़ी बहुत सीटें लेके, लेकिन बदलाव तो होना जरूरी है। नमस्कार, सिटी अपडेट लाइन में स्वागत, मैं हूँ छोटी पत्रकार। आप हमारे अभी इस वक्त हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर गरीबों के लिए निःशुल्क खाना बंटवाया जा रहा है। कैमरे से कहूँगा थोड़ा खाना ही बताया, यहाँ पर कैमरे से कहूँगा थोड़ा खाना बताया, यहाँ पर खाना बट रहा है। तो हम उन खाना वालों से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे मिलता है। हम कहा दादाजी, ये खाना मिल रहा है आपको, तो क्या निःशुल्क मिल रहा है कि पैसों से मिल रहा है? भैया, हमको जो आपके सामने है, दाल मिल रही है, रोटी मिल रही है और ये खीर मिल रही है। तो पैसों से मिल रहा है कि निःशुल्क मिल रहा है? नहीं, बिना पैसों के बेटा, अनुकूल भोजनालय से मिल रहा है। रोजाना मिलता है कि कितना मिलता है? नहीं, रोजाना मिलता है बेटा, ऐसा तो सुबह गाड़ी इतनी बेर आती है। तो आप यहाँ क्या करते हो? हम तो बेटा बच्चाबाजी करते हैं, मांगते हैं, अपना पेट भरते हैं ऐसा में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर के उनका दो बुजुर्ग हैं, जो मतलब अनाथ, उनको घर से निकाल दिया गया है, वो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये हमारे साथ में हैं कि जो बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, आए कोई पैसों से खरीद रहे हो? फ्री में मिल रहा है ना। देखिए, छोटे बच्चे भी यहाँ पर जो खाना वितरण कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जैसे भाई साहब आप खाना वितरण कर रहे हो, तो यहाँ पर रोजाना करते हैं कि बाई चांस करते हैं? रोजाना करते हैं, रोजाना ही करते हैं। रोजाना मिलता है सब, रोजाना मिलता है जी। तो पैसे का कोई रहता है इसमें, कोई पैसे का इशू, कोई पैसा नहीं? नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई पैसा नहीं। तो कितने दिनों से आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं गरीबों के लिए? ये सब लॉकडाउन से चल रहा है अपना, फर्स्ट लॉकडाउन से चल रहा है। अपने प्रमोद जैन हिमांशु जी है ना, उनकी तरफ से डेली वो सुल्तानिया हॉस्पिटल में भोजन डेली पर डे वहाँ 300-400 लोगों का एक टाइम में, 300-400 लोगों का। जैसे गरीबों का, गरीबों के लिए होता है कि सभी लोग, कोई व्यक्ति खा ले, जिसको जरूरत है खाने की, जिसके हाथ पैर में लगी हो ना लगी हो, कोई भी ले सकता है। खाने में क्या चीजें देते हो? खाने में रोटी सब्जी दाल ये रहता है, और एक रहता है मीठा खीर वगैरह, सब चीज देते हैं। हाँ, पर ये समाज सेवी है जो यहाँ पर खाना वितरण कर रहा है, हमारे साथ में कुछ गरीब लोग भी, उनसे ही बात करेंगे जो जमीनी स्तर से है। भाई साहब, जो खाना मिल रहा है, तो खाना आप रोजाना आते हो यहाँ पर की आज आए हो? सर, रोज आते हैं। रोज ही नहीं पर आते हो जी? तो समय कोई इसका निर्धारित है, आज जैसे इतने बजे बांट रहे हैं, 12 बजे बांट रहे हैं, तो और इसको समय निर्धारित है? जल्दी आ जाते हैं कभी कभी, तो जल्दी आते हैं। जैसे गाड़ी चली जाती है, फिर क्या करते होगे आप? गाड़ी चली जाती है सर, उधर सिंध कॉलोनी चले जाते हैं। काम क्या करते हो? काम यही मांगते खाते हैं सर। तो प्रशासन से, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनसे क्या कहना चाहोगे आप अपनी मांग के लिए? उनसे क्या कह सकते हैं सर, हम जैसे आप मांग के खा रहे हो, अभी तो चलो गाड़ी आ रही है, कोई बाई चांस गाड़ी भी नहीं आई, तो आप कैसे पेट भरोगे अपना? जब से कोरोना था, जब से खाना खा रहे हैं, हर साल बांटते हैं, जब भी आए हैं, जब भी हमको खाना पीना की कमी नहीं, बाल बच्चे सब कोई खा रहे हैं और सब कोई दे रहे हैं। हाँ, सब कोई देने वाले हैं भाई, लोग हमेशा बांटते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि गरीबों के लिए जो मतलब स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी, सरकार भी ये बोल रही है कि गरीबों को हम योजना दे रहे हैं, गरीबों के लिए हम बहुत सारी योजनाएं दे रहे हैं, उनका लाभ भी दे रहे हैं, लेकिन हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपको, जैसे सरकार, आपने जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मामा है, तो वे बोलते हैं हम गरीबों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत योजना चला रहा है, तो कोई ना कोई लाभ मिल रहा है? यही खाना रोटी दे रहा है। बड़ी दूर से आके अभी भोजन किया हूँ, अमेठी से आके इधर भोजन किया हूँ, ट्रेन से चल के अभी भोजन किया हूँ, और इसके बाद अभी सुबह का खाना हो गया, शाम का खाना फिर शाम का अपने पैसे से खाएंगे, अभी यहाँ बैठ रहा तो खा लिया, कोई बात नहीं। भाई साहब, शाम का भी मिलता है, 5:30 बजे भी मिलता है, 7:30 बजे भी मिलता है, सिर्फ हमें सोने की जगह नहीं मिलती, और मांगते खाते हैं, पड़े रहते हैं स्टेशन पे, पुलिस वाले इधर से उधर भगाते हैं, भागो। जैसे ये बोल रहे हैं, तुम्हारे पास वाले बोल रहे हैं कचड़े का रहता है, तो कोई पेश यहाँ पर जो रेलवे विभाग द्वारा यहाँ कोई कचड़े की व्यवस्था नहीं की गई यहाँ पर, आप अपना जो कचरा उसमें डाल सके? नहीं, डस्टबिन है सर, डस्टबिन में डाला जाता है, जो जैसे खाना खाए हम तो डब्बा, कचड़ा के डब्बा रहता है उसमें डाल देते हैं, लड़के बच्चे लेके धोके धंधे से फेंक देते हैं, तब बच्चे क्या करें, इसलिए हमको ये सरकार तरफ से, मोदी जी के तरफ से रोटी खाना मिलता है, खा लेते हैं। तो इस बार 2023 में क्या मोदी के या शिवराज सिंह चौहान एमपी में आएंगे कि तो कोई दूसरा चेहरा रहेगा? अब क्या करें, आप ही हो मालिक, हम क्या है। नहीं, जैसे जनता ही, तो जनता ही चुनती है उनको, जो जनता ही मुखिया को बनाएगी, तो जनता जैसे मोदी का चेहरा, उनका शिवराज सिंह का चेहरा रहेगा कि दूसरा चेहरा चेंज होगा? मुखिया बन भी, नहीं नहीं, मुखिया शिवराज सिंह ही बनेगा। अच्छा जी, ये 2023 का है जी।
जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि सरकार हमारे लिए बहुत कर रही है, तो हम और वहाँ पर प्रतीक्षालय में जा रहे हैं, वहाँ पर भी उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो रेलवे की व्यवस्था है क्या कुछ व्यवस्था है, उनसे ही बात करेंगे। जैसा कि अभी हम यहाँ पर भोपाल रेलवे स्टेशन के जो यात्री प्रतीक्षालय है वहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए, उनसे ही हम बात करेंगे, यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करेंगे। जो आप यहाँ पर बैठे हो, कहाँ से आए हो पहले तो? मैं विदिशा से आया हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपने भोपाल में आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हुआ? हाँ जी। तो आपको यहाँ पर कैसा लगा, देख के आपने देखा होगा कि साफ सफाई को लेके, या कोई ऐसा कोई अपने मुद्दा दिखा हो ऐसा कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती या कोई? नहीं, वर्तमान में तो यही जगह बैठे हैं, उस जगह तो बहुत अच्छी साफ सफाई है, और आप अभी बाहर से भी आए वहाँ भी बहुत अच्छी साफ सफाई है। ट्रेनों के किराए की कोई बढ़ोतरी हुई है कि ट्रेनों का पहला किराया चल रहा था वही किराया? नहीं, अभी तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, जैसा कि अभी आज तक हम लेते रहे 35 रुपये का टिकट, वही मिला है। अच्छा, वही मिला है। तो यात्रियों के रुकने के लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पर? बस यही बैटिंग रूम है, यहाँ पर बैठ जाते हैं और अपने दिवंगत स्थान पर पहुँचने के लिए कार्य आने का इंतजार कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह का शिवराज सिंह अपने मध्यप्रदेश में मामा हैं, तो उनका कहना है कि हम जो लोग हैं, जनता है, उनके लिए हम कई योजना निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भोपाल में भी रेल स्टेशन के लिए उन्होंने कई योगदान दिया, उन्होंने कई कार्य किए, तो क्या ऐसा लगता है कि उनके द्वारा ये कार्य करवाया गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो रेल विभाग का काम है, प्रशासन का काम नहीं है, ये मध्य प्रदेश प्रशासन का काम नहीं है, रेल विभाग इसको देखता है। बहुत अब मध्य प्रदेश का तो ये है कि वो पूरे मध्य प्रदेश के मामा हैं। हाँ, तो अपना देखेंगे। तो इस बार 2023 का एजेंडा कैसा लगेगा कि 2023 में कांग्रेस रहेगी बीजेपी मारेगी इस पर? ये कह नहीं सकते, बदलाव की जरूरत है सर। हाँ, और बदलाव आना जरूरी है, और बदलाव नहीं आएगा तो एक ही रात चलेगा, इनकी मनमानी से काम होगा, जो ये करना चाहते हैं वैसा ही होगा। जनता का मूड है, जैसे हम कुछ जगह जनता सर्वे किया तो उनका मूड है कि अब या तीसरी आँख खोलेंगे, तो ऐसी कौन सी तीसरी आँख है? तीसरी आँख आम आदमी आती आ सकती है थोड़ी बहुत सीटें लेके, लेकिन बदलाव तो होना जरूरी है। एमपी से कहाँ से? नीमच जिले। नीमच से? तो यहाँ पर आज ही आए हो कि और पहले भी कभी आए हो भोपाल? आज ही आए, कल आए। तो भोपाल में जैसे आपको व्यवस्थाएं दिखी होंगी, यहाँ पर रेलवे स्टेशन में व्यवस्थाएं दिखी होंगी, या कोई किराए की जैसे लॉकडाउन से पहले की किराया बैठ, या रेलवे पहले रेल से आए थे और कुछ चीज से आए थे पहले? रेल से आए थे या बस से आए थे? रेल से आए। तो रेलवे में पहले लॉकडाउन में पहले व्यवस्थाएं सीटें थी, इस बार क्या सीटें मिल रही हैं रेलवे में कि नहीं मिल रही? अभी सीटें कहाँ मिल रही, बराबर भरके चल रही हैं। टिकट करवाते हैं जब भी? टिकट पहले जो मतलब पहले रेट थी उसी रेट में टिकट मिल रहा है, कोई जाना महंगा उसी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि जो रेट में पहले दर थी उसी दर में टिकट दिया जा रहा है। और आज कैमरा मैन लंगोटी के साथ अमरीश यादव।